कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच लापरवाहियां कम नहीं हो रही हैं। लापरवाही का यही नजारा देखने को मिला राजधानी भोपाल के सुभाष स्कूल में, जहां 10वीं की पूरक परीक्षा के लिए छात्र पहुंचे, लेकिन उन्हें अपना रोल नंबर ढूंढने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। व्यवस्था दुरुस्त ना होने से कई स्टूडेंट एक साथ एक जगह जमा दिखाई दिए। हालांकि इस दौरान थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था थी, लेकिन बाकी व्यवस्था नहीं थी। दसवीं की आज पूरक परीक्षा आयोजित की गई है और स्कूलों में सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, सैनिटाइज की व्यवस्था की गई है, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, पहले बच्चों का को सैनिटाइज किया जा रहा है, उसके बाद उनको थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही, फिर उसके बाद एक एक करके बच्चों को स्कूल के अंदर जाने की परमिशन दी जा रही है। लेकिन उसके उलट अगर हम बात करें स्कूल के बाहर की, तो स्कूल के बाहर जिस तरह से बच्चों को रोल नंबर दिखाने की व्यवस्था की गई, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सारे नियमों की धज्जी उड़ाता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि बच्चों को रोल नंबर देखना है, उसके अलावा उनको अपना रूम नंबर देखना है कि कौन से रूम में उनके लिए व्यवस्था की गई है, तो वो व्यवस्था यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे परेशान हो रहे हैं। झुंड लगा करके यहाँ पर बच्चों को अपना रूम नंबर देखना पड़ रहा है, तो इन सब चीज़ों में बच्चों कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है। जिस तरह से प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, भोपाल में संक्रमण बढ़ रहा है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर बच्चों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही बरती गई है और बच्चे परेशान हो रहे हैं। एक जगह पर झुंड लगाकर लगातार अपना रोल नंबर, रूम नंबर, ये चीज़ें देख रहे हैं, तो ये स्कूल की यहाँ पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। कैमरामैन विजय नायडू के साथ संदीप मिश्रा, ND24 भोपाल।